मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे वर्मा साहब की जो किताब है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसका जो चैप्टर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन है, उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं। जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारे चैनल पे कई सारे वीडियोज अवेलेबल हैं आपकी पढ़ाई के लिए, उस सारी वीडियो को आप यूज कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जरूर से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। मोबाइल एप्लीकेशन है, उस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कीजिए, इरोडो वीडियो सॉल्यूशन के नाम से या टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से है। बढ़ते हैं आगे और वर्कआउट करते हैं प्रॉब्लम पे। हमने यहाँ पे एक बड़ा डिस्क ले रखा है जिसकी रेडियस 2r है, उसमें से एक छोटे से डिस्क को कट कर दी गई है जिसकी रेडियस बेसिकली r के इक्वल है। कट इस तरह से करी गई है जिससे कि जो होल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, राइट। तो हमें बताना है कि ये जो रिमेनिंग डिस्क है इसकी बेसिकली सेंटर ऑफ मास बतानी है। तो प्रोसीजर कॉन्सेप्ट क्या रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। कॉन्सेप्ट यह रहता है कि यदि मैं इसका, ये जो रिमेनिंग डिस्क का रिमेनिंग डिस्क है और इस डिस्क को यदि मिला दिया जाए तो जो कंबाइंड सिस्टम होगा इन दोनों का वो इसका ओरिजिनल सेंटर मास होगा। समझिए बात को, ये डिस्क जो रिमेनिंग है और ये वाला जो डिस्क है, इन दोनों को यदि कंबाइंड कर दिया जाए तो ओरिजिनल फिगर बन जाएगा। इसका बेसिक मतलब ये हो गया कि मान लिया जाए कि इसकी सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास की इसकी एक्स है और इसकी ऑब्वियस सी बात है ये एक डिस्क है जिसकी इसकी इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी इसका सेंटर ऑफ द डिस्क की होगा, जो कि यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, सिंपल सी बात है वो आर पे होगा, क्योंकि ये टोटल कितनी है यहाँ पे 2r। तो इसका जो डिस्क है इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी वो बेसिकली इसका एक्स सेंटर मास कितने पे होगा, आर पे होगा। होगा ही नहीं होगा बताइए, यहाँ पे ये आर पे हो गया। अब एम वन एक्स वन, क्योंकि हमें ये पता है कि यदि एक बड़ा फिगर होता है तो उसको हम लोग एक छोटे पॉइंट मास से रिप्लेस कर देते हैं जो कि उसके सेंटर ऑफ मास पे रखते हैं। तो इसका मान लिया जाए मास एम वन के इक्वल है और इसका मास यहाँ पे एम टू के इक्वल है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एम वन इंटू एक्स प्लस एम टू इंटू आर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, इट विल गिव द ओरिजिनल जो ये वाला फिगर है उसका सेंटर ऑफ मास जो कि ओरिजिन पे है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जीरो विल बी इक्वल टू, जीरो इज द सेंटर ऑफ मास, जीरो इज द एक्स कॉर्नेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क, राइट। और दिस वुड बी इक्वल टू एम वन इंटू एक्स प्लस एम टू इंटू आर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये लिख दिया जाएगा, राइट। तो इससे हमारे को इसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस एक्स विल कम आउट माइनस ऑफ एम टू इंटू आर डिवाइडेड बाय एम वन, राइट। ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको ये जीरो से मल्टीप्लाई हो गया तो एम वन एक्स प्लस एम टू आर किसके इक्वल हो गया, सिंपल सी बात है जीरो के। तो एक्स की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई, माइनस एम टू बाय एम वन इंटू आर के, राइट। अब देखिए यहाँ पे मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम टू को, एम टू को लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस वन और m1 को लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया ऑफ दिस वन, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा बताइए यहाँ पे। तो यदि ऐसा करते हैं तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सिग्मा जो सरफेस मास डेंसिटी है वो तो बेसिकली ए यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, समझिए बात को। तो x, अब देखिए हमने x यहाँ पे निकाल लिया, बहुत सिंपल, m1 plus m2 into 0, that will give m1x plus m2r will be equal to 0. From that, x will come out minus of m2 by m1 into r. m2 is the mass of this one. The mass of this one will be written as sigma into area of this one. Sigma is known as surface mass density. a2 is the area of this disk. तो इससे इसकी मास आ जाएगी। m1 will be equal to how much? m1 इसकी मास है, तो सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी जो कि थ्रू आउट एक ही जैसा रहेगा, चाहे इसका लिखे चाहे इसका लिखे चाहे इसका लिखे, इंटू एरिया a1 ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, तो सिग्मा इंटू a1, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया तो माइनस a2 by a1 into r। इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एक तरह से a2 हो गया एरिया ऑफ दिस वन इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वन एक्स कॉर्नेट डिवाइडेड बाई ए वन इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क। अब बताइए ए टू की वैल्यू किसके इक्वल है, तो ए टू की वैल्यू यदि मैं लिखूंगा इसकी एरिया तो सिंपल सी बात है पाई आर स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। और यदि मैं ए वन लिखूंगा तो ए वन विल बी इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ दिस वन माइनस दिस वन, सिंपल सी बात है। तो टोटल एरिया कितना होगा इसका, पाई इंटू टू आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जो सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल कम आउट थ्री पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो ए वन की जगह थ्री पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, ए टू की जगह पाई आर स्क्वायर रख दीजिए, इट विल कम आउट माइनस ऑफ आर बाई थ्री, आएगा नहीं आएगा। दैट मीन्स इस रिमेनिंग डिस्क का सेंटर ऑफ मास एक्स कॉर्नर जो होगा वो आर बाई थ्री होगा, माइनस है, इसका मतलब
ओरिजिन से इस साइड पे, मतलब नहीं यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ मास होगी यहाँ पे ओरिजिन से इस साइड पे एक्स कोऑर्डिनेट आर बाई थ्री डिस्टेंस पे, राइट। तो ये बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास होगा इस रिमेनिंग डिस्क का, यहां से इधर को आर बाई थ्री पे ये होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट सिंपली जीरो लिखेंगे। अब कैसे देखें यहाँ पे, अब देखें यहाँ पे मैं यदि बीच में हाथ रख देता हूं एग्जैक्टली, तो जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है, तो वाई सी एम सिंपली जीरो। यदि आप कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आएगा सिमिलर वे से, क्योंकि इसका जो है वाई सी एम जो है बड़े वाले डिस्क का जीरो है, तो दिस जीरो विल बी इक्वल टू इन द सिमिलर वे एम वन इंटू वाई कोऑर्डिनेट प्लस एम टू इंटू जीरो, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो के इक्वल है सेंटर मास इसका, तो एम वन इंटू इसका वाई सी एम प्लस m2 into इसका YCM, that will be 0 divided by m1 plus m2, it will come out simply, यहाँ पे यदि y की वैल्यू निकालेंगे तो that will come out 0 directly। अब उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल सी बात है बीच में एग्जैक्टली हाथ रखिए, ऊपर जितना मास है जितना मास नीचे दोनों इक्वल है, इसका मतलब बेसिकली इसका YCM बिल्कुल मिड में आएगा, दैट मींस इसका बेसिकली यहीं पे कहीं YCM रहेगा। XCM की बात करें तो XCM देखिए बीच में ऐसे हाथ रखते तो डेफिनेटली इधर वाला मास ज्यादा है तो रिमेनिंग डिस्क का, तो इधर ही सेंटर मास इधर शिफ्ट करेगा क्योंकि ये तो होल बीच में बना हुआ है, तो इसका बेसिकली यहाँ पे मास क्या है बेसिकली कम है इस राइट साइड में, तो ये रिमेनिंग डिस्क का जो सेंटर मास होगा डेफिनेटली यहाँ पे इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में ही होगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो प्रोसीजर समझने वाली बात है, प्रोसीजर यही रहता है और डायरेक्ट फॉर्मुला ऑलरेडी डिस्कशन करा जा चुका है कई सारे लेक्चर्स में, देखेंगे सेंटर मास कोलिजन वाले में तो उसमें डिस्कशन करी जा चुकी है। अब ये डायरेक्ट रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं क्या भाई कि इसका एक्स सेंटर मास लिखना है तो लिखेंगे क्या कि भाई कि एरिया ऑफ दिस वन इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वन एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रिमेनिंग डिस्क, तो वहां से डायरेक्टली आपका माइनस आर बाय थ्री आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आपके सामने हमने डिस्कस किया है, मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो डेफिनेटली आप लेक्चर को लाइक कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना ज़्यादा बता सकते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए ताकि हमारे को आपके कमेंट से मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। हमारा जो चैनल है जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहां पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का, इसमें काफी कुछ आपके लिए है मटेरियल और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर जेई जेई के लिए, देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेई मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं, फिर जेई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट पीएमटी की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ है, मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास इलेवंथ जो देखिए, क्लास इलेवंथ का आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास टेंथ का है कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट, और दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।